मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को मुरादाबाद के साईं मंदिर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र पर ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 62 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 22 मुस्लिम व 40 हिंदू कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम स्थल को भगवा और हरे कलर के पंडाल से सजाया गया है, साथ ही 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित इस योजना में आपसी सौहार्द को भी बल मिलता दिखाई दिया। एक ही पंडाल के बीच एक ओर वेदों के मंत्रों का उच्चारण और दूसरी तरफ कुरान की आयतों को पढ़ा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश कुमार सिंह, मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर राकेश सिंह ने की व संचालन समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की बाबत जब ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, योजना की शुरुआत की गई है और इसका जो भी आयोजन है सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा संपादित किया जाता है, समाज के सब वर्गों में एक सम्मान की स्थिति बनी रहे और उस सामूहिक आयोजन के द्वारा जो गरीब बहनें हैं उनके परिवार के लोग हैं उन्हें भी सामूहिकता के आधार पर इस आयोजन का में भागीदारी करने का अवसर मिले। ये की और शासन की ये मंशा थी कि जो ऐसे निर्धन गरीब परिवार जो धूमधाम से अपनी शादी नहीं कर पाते हैं उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था, ताकि उनको उनके अंदर ये भावना विकसित हो कि उनकी भी शादी जो है उसी प्रकार से आयोजित की गई जिस प्रकार से गांव में बारात जाती है, पंडाल लगता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य है, ताकि कहीं भी हमारे गरीब और निर्धन वर्ग के जो लोग हैं वो किसी भी तरह से अपने अंदर कोई उनके अंदर हीन भावना विकसित ना हो। सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह आयोजन है, जिसमें लगभग 62 पेयर्स आज शादी करेंगे, जिसमें लगभग 22 जोड़े मुस्लिम और 40 जोड़े हिंदू शादी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार की इस योजना को लेकर के क्या कहना चाहते हो? प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, जिसमें गरीब लोगों को जो शादी करने में असमर्थ हैं, जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए 20,000 रुपए का चेक, 10,000 रुपए का दहेज का सामान, प्लस यहाँ पे जो भी उनके साथ आएंगे उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पे रहती है, ये सब सरकार के द्वारा किया जाता है, इसमें उनका 1 रुपया खर्च नहीं। जो मुरादाबाद का लक्ष्य दिया गया है तो उसका पूरा करने का क्या आपका वह रहेगा? जो मुरादाबाद का लक्ष्य है वो लगभग पूर्णता की ओर है और बाकी जो रह गए हैं वो अगले महीने या उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अगले महीने में पूर्ण कराए जाएंगे।